हम सांघिक गीत गाते हैं, हम व्यक्तिगत गीत गाते हैं, हम घोष का वादन करते हैं, इसके चलते लगभग संघ संगीत नामक एक नया घराना संगीत के क्षेत्र में खड़ा हो गया है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बंगलोर में एक म्यूजियम है, इंटरैक्टिव म्यूजियम ऑफ इंडियन म्यूजिक, ऐसा लंबा चौड़ा अंग्रेजी नाम उसका है। भारतीय संगीत का पूरा संग्रह, लगभग 44,000 गायन के नमूने उनके पास है और भारत के सभी ख्यातनाम गायक जो हो गए और जो आज है उन सबके नमूने उनके पास है। भारत में चलने वाले पुरातन ध्रुपद संगीत, ग्राम संगीत से लेकर तो फिल्मी संगीत तक सारी बातों का संग्रह वहां है। उसको मैं देखने के लिए गया था तो मैंने उनको ये बात बताई कि इतना बड़ा संगीत का संग्रह आपके पास है लेकिन आपके पास मार्शल म्यूजिक नहीं है, तो मैं आपको एक सूचना देता हूं कि अब भारतीय संगीत में ये रण संगीत भी उपलब्ध है और आपको अगर देखना है तो कल कार्यक्रम में आएंगे, क्योंकि दूसरे दिन बंगलोर में ऐसा ही घोषवादन का कार्यक्रम था तो उसमें वो सब लोग आ गए। उन्होंने कार्यक्रम देखो आश्चर्यचकित हो गए, उन्होंने ये कल्पना नहीं की थी कि आनक पर भारतीय ताल बज सकते हैं। इन वाद्यों में वजन दिखाने की सुविधा नहीं है जैसे तबले में होती है, पखवाज में होती है, लेकिन हमारे वादकों के वादन की कुशलता ऐसी है कि तालों का आभास तो उत्पन्न होता है। उन्होंने ये कल्पना नहीं की थी कि वेणु और वंशी रागदारी बजाने वाले ये वाद्य रण संगीत भी बजा सकते। उन्होंने ये देखा और उन्होंने कहा कि एक नया संगीत का प्रवाह हमको मिल गया। हमने कहा प्रवाह नया नहीं, प्रवाह वही है, सनातन काल से चलते आया हुआ भारतीय संगीत जो सामवेदों से निकला है, परंतु उसमें कुछ नए प्रयोग हुए थे, एक धारा रण संगीत की फिर से बह निकली।